श्रद्धा मानव जाति की अत्यधिक सशक्त भावनाओं में से एक है, जिसके अति सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से पितरों को दिशा, शक्ति और तुष्टि प्रदान की जा सकती है। अतः मरणोत्तर संस्कार के कर्म में अपनी इस श्रद्धा भावना की क्षमता के द्वारा ही पितरों को सदगति देने और उनके आशीर्वाद पाने का क्रम चलाया जाता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार मृत्यु के साथ जीवन समाप्त नहीं होता, मरणोत्तर जीवन का एक अबाध प्रवाह है। पंच तत्वों से बनी इस काया की समाप्ति के बाद भी जीव यात्रा रुकती नहीं, अनंत जीव की श्रृंखला की एक कड़ी मृत्यु भी है। इसलिए संस्कारों के क्रम में जीव की उस स्थिति को भी बांधा गया है जब वह एक जन्म पूरा करके अगले जन्म की ओर उन्मुख होता है। कामना की जाती है कि संबंधित जीवात्मा का अगला जीवन पिछले की अपेक्षा सुसंस्कारवान बने। इस निमित्त जो कर्मकांड किए जाते हैं उन सभी का लाभ जीवात्मा को श्राद्ध कर्म करने वालों की श्रद्धा के माध्यम से ही मिलता है। अतः मरणोत्तर संस्कार को श्राद्ध कर्म भी कहा जाता है। आइए जानते हैं गायत्री परिवार मुख्यालय युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध तर्पण संस्कार के बारे में। मूलतः श्राद्ध तर्पण की महत्वपूर्ण तिथि महालया अमावस्या को मानी जाती है। पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करने का मुख्य विधान है। इसकी शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और आश्विन महीने की अमावस्या तक चलती है। यूं तो गायत्री तीर्थ शांति कुंज में वर्ष भर श्राद्ध तर्पण संस्कार कराया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने पारंपरिक प्रचलित मान्यताओं परंपराओं से भिन्न इसे सर्वसुलभ और सर्वसम्मत बना दिया है, जिसके अंतर्गत गंगा की गोद, हिमालय की छाया, ऋषि विश्वामित्र की तपस्थली में बसे इस पवित्र तीर्थ में तपस्यारत सप्त ऋषियों के सूक्ष्म सानिध्य में प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालुओं हेतु सामूहिक रूप से निशुल्क श्राद्ध तर्पण का आयोजन किया जाता है, जिसमें पितृगणों को श्रद्धा भावना अर्पित करने के निमित्त तर्पण, पिंडदान आदि कार्य कराए जाते हैं। श्राद्ध कर्म में सनातन धर्म के वसुधैव कुटुंबकम की भावना परिलक्षित होती है, जिसके अंतर्गत सभी देवताओं, ऋषियों, जीव और वनस्पति आदि को भी जलांजलि के माध्यम से अपनी श्रद्धा भावना व्यक्त की जाती है। इसके साथ उन विशिष्ट व्यक्तियों, महानुभावों को भी पिंडदान दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र, समाज, धर्म के लिए बलिदान दिया हो। साथ ही उन लोगों को भी जलांजलि अर्पित की जाती है जो दुनिया के किसी कोने में दुर्घटना, महामारी में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हों और जिनके वंश में उनका श्राद्ध तर्पण करने वाला कोई ना हो। इसमें कुल, जाति, क्षेत्र आदि की कोई बाध्यता नहीं होती। श्राद्ध कर्म के समापन के पश्चात सभी को पितरों की स्मृति में एक एक पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की प्रेरणा देते हुए तरु प्रसाद के रूप में सभी को पौधे भी वितरित किए जाते हैं। इसके साथ ही सभी श्रद्धालुओं को गौ सेवा के लिए भी प्रेरित किया जाता है। यह संस्कार सनातन परंपराओं का धार्मिक कृत्य है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों को अपनी श्रद्धा भावना और कृतज्ञता अर्पित करते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।